आज हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं और वो ये है कि आप सच्चे देशभक्त हैं या मौसम के हिसाब से आप देशभक्ति की जैकेट बदलते रहते हैं। कल पूरा देश गणतंत्र दिवस के जोश में डूबा हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों ने भी कल सुबह उठकर 26 जनवरी की परेड टेलीविजन पर देखी होगी और हमें यकीन है कि देश की ताकत देखकर आप सभी को गर्व का एहसास हुआ होगा। पूरे दिन कहीं ना कहीं आपके मन में देशभक्ति की लहरें उठती रही होंगी। आपने बार बार देश के गर्व से जुड़ी बातों को अलग अलग न्यूज चैनल्स पर देखा होगा। अगर आप शॉपिंग मॉल्स में गए होंगे या फिर कहीं बाहर घूमने गए होंगे तो भी आपकी निगाह तिरंगे पर जरूर पड़ी होगी। हो सकता है कि आपने भी एक तिरंगा खरीद कर अपनी गाड़ी या अपने घर या फिर अपने दफ्तर में लगाया होगा। लेकिन आपने ये भी गौर किया होगा कि 26 जनवरी के अगले ही दिन यानी 27 जनवरी को देशभक्ति की ये पूरी भावना फीकी पड़ जाती है। तिरंगे को देखकर आने वाला जोश और देश से जुड़ी सारी संवेदनाएं ठंडी पड़ने लगती हैं। लोग फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आते हैं। लोग ट्रैफिक के नियमों को पहले की तरह ही अनदेखी करने लगते हैं। दफ्तर खुलते ही रिश्वत लेने का दौर शुरू हो जाता है। किसी न किसी शहर या गांव में कोई ना कोई महिला हिंसा का शिकार होती है और लोग चुपचाप खड़े होकर पहले की तरह देखते रहते हैं, क्योंकि हमारी नजर में 26 जनवरी का दिन गुजर चुका होता है और हम अपनी देशभक्ति की भावना को अगले 15 अगस्त के लिए यानी स्वतंत्रता दिवस के लिए रिजर्व कर लेते हैं। हम गणतंत्र दिवस के जश्न को सिर्फ एक खास दिन पर मनाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम देशभक्त कहलाने की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। अगले दिन से सब कुछ पहले जैसा होने लगता है। हमारी ये आदत बताती है कि हम गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को भी एक दिवसीय त्योहार की तरह मनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम होली, दिवाली या ईद मनाते हैं। भारत के लोगों को 26 जनवरी के दिन जिस देशभक्ति, गर्व और जिम्मेदारी का एहसास होता है, उसकी एक्सपायरी डेट 27 जनवरी को ही आ जाती है, यानी अगले ही दिन। इस मानसिकता पर चोट करने के लिए आज हम आपको एक शॉर्ट फिल्म दिखाना चाहते हैं। ये फिल्म 5 मिनट 45 सेकंड की है। इसे देखकर आप भी समझ जाएंगे कि कैसे हमारे देश में देशभक्ति को भी अब फास्ट फूड जैसा बना दिया गया है। जेब में जितना पैसा निकाल, जल्दी निकाल। कहाँ है सर? क्या बना रहा है मेरे को? मेरे को क्या बना रहा है? पैसा किधर गया? हवा में उड़ गया क्या? मेरे को बना रहे? जा जाके पैसा लेके आ, नहीं तो खाना तो भूल ही जाना, इधर रहने को भी बताना।
कह रही। तो खुद भूखा हूं हवा की उस लहर का जो मुझे आजाद होने का एहसास दिलाती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म का आपके दिलो दिमाग पर कुछ असर पड़ेगा और आप हमेशा के लिए सच्चे देशभक्त बन जाएंगे।